वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में और की लीडर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला तो बनारस सेशन जो 1900, देखिए बहुत सारे सेशन हुए थे बट हम लोग अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। सो पहला था बनारस जो 1905 में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इन द सेम ईयर गोखले फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाइंड किया था? गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बड़े लीडर थे बट सिंस हमारे सच एजुकेशन में उस तरीके से इनका नाम नहीं है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं इनको, ये बहुत गलत बात भी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं एक लिंक बना के दे दूँगा आपको, यहाँ पर आप उनके नाम पर क्लिक करिएगा तो आपको उस लिंक पर लेके भी चला जाएगा ये। ठीक है, तो कलकत्ता स्टेशन ऑफ कांग्रेस। प्रेसिडेंट कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। अ प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट प्रेसिडेड ओवर दिस सीजन। सिग्निफिकेंस ऑफ सीजन, इट वॉज ड्यूरिंग दिस सेशन दैट टर्म स्वराज वॉज ऑफिशियली डिमांडेड एज अ नेशनल गोल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्वराज सबसे पहले कब मांगा गया था? कलकत्ता सीजन 1906 में। फर्स्ट यूज ऑफ स्वराज, वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज वॉज फर्स्ट नेशनली डिमांडेड बाई दादाभाई नौरोजी, इट वॉज बाल गंगाधर तिलक हु इज क्रेडिटेड द फर्स्ट यूजिंग वर्ड स्वराज। तो सबसे पहले क्रिएट कौन किए थे, वर्ड यूज़ कौन किए थे? स्वराज, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और डिमांड किसने किया था? दादाभाई नौरोजी जी ने। अब थोड़ा दादाभाई नौरोजी के बारे में पढ़ लेते हैं। दादाभाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। वो पढ़े नहीं थे, उनका वुमेंस के एजुकेशन के प्रति भी बहुत सारा रोल प्ले किया गया है जिसमें से एक ये है कि वुमेंस एजुकेशन इन बॉम्बे बहुत बड़ा उनका रोल था। ये सारी बातें आपको हिंदी में लिखी हुई मिल जाएगी यहाँ पे, जिसके ऊपर जो भी MCQs बन सकते हैं वो हमने यहाँ बना के आपको दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो अच्छा लगा आप वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना जो व्यू है उस वीडियो के बारे में बताइए, ख़राब अच्छा कुछ भी हो पर बताए ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।